इसके पास पहले भी कबूतर थे, इसने वाले बेच दिया। और फिशर वगैरह सब कुछ के घर के पास आ चुके हम लोग। देखें दोस्तों, इसके पास इतने सारे बच्चे रखे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम अकरम और आप लोग देख रहे हो यूट्यूब चैनल रियल बट्टी व्लॉग। से कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरी से होगे। तो मैं मिलता हूँ अभी ग्राउंड में जाके, हम लोग थोड़ी वीडियो वगैरह बनाते हैं, वहीं जाके आपसे दोबारा मिलता हूँ मैं। और फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अली के घर के लिए। तो हम लोग उसके घर से अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं मैं करता हूँ आगे की स्टार्टिंग। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं। और कबूतर जो मैंने आपको दिखाया टिकटर पे, वो ना अकबर के कबूतर थे। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, सही है? अगर आप लोग कहोगे तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं कहो तो गुलाम आली के पे, वरना अकबर अपना चैनल खुद ही खोलेगा। पहले मैंने ये सेटअप करवा था कबूतरों, बहुत बड़ा सेटअप था, मगर किराए का घर है ना, आप सपोर्ट करोगे तो अपना घर लेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से अच्छे कबूतर लाऊंगा। अभी भी मैंने रखे थे, गन वगैरह करते थे कबूतर, तो जो जिनके यहाँ किराए पे रह रहे हैं ना, उन्होंने बोला यार आपके कबूतर गन वगैरह कर रहे हैं तो आपने कबूतर ये ख़त्म करो ये वो। तो मैंने फिर कबूतर ख़त्म करे, उसको मैंने कुछ कबूतर हाथ पे भी पाले हुए थे, ट्रेन करे हुए थे, कमरे में जाता था उसको कबूतर कमरे में आ जाते थे, वैसे ट्रेन करे हुए थे मैंने कबूतर। अब आप बोलोगे तो ये मैं अपना चैनल खोलूँगा, नहीं तो भाई को बोलो ये मेरे पिंजरे का रोज़ आपको विज़िट कराएगा, रोज़ जैसे सुबह वीडियो बनाते रोज़ आपको विज़िट कराएगा। और सपोर्ट करो भाई को, जितना सपोर्ट करो कि आगे निकलेंगे इंशाल्लाह, अपना घर लेंगे, फिर एक से एक चीज़ मेरे को परिंदों का, एक एक परिंदों का शौक है, लाइन वगैरह ये हो गया सब परिंदों का मेरे को शौक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अब आप हमें सपोर्ट करें या भाई को करें, एक ही बात है, भाई को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप जितना सपोर्ट करेंगे हम अपना घर ले सकें, फिर अच्छी से अच्छी चीज़ें ला के आपको दिखाएँगे। आप लोगों की सपोर्ट से मेरे वन के तो हो चुके हैं, अब आप लोग सपोर्ट करते रहो तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज वन के हुए हैं तो कल को यार दो टू के हो जाएंगे, थ्री के हो जाएंगे। सपोर्ट करते रहो और हम लोग भी बनाते रहेंगे ऐसी वीडियो, अगर आप लोग बोलोगे तो और ज़्यादा वीडियो बनेंगी, कबूतरों पे बोलोगे तो कबूतरों पे बनेंगी, तोतों पे बोलोगे तो उन पर भी बनेंगी वीडियो। अभी मेरा मोबाइल एक चोरी हो गया, मोबाइल अब खरीदूँगा नया, जेब में रखे ऐसे बाहर घूम रहा था तो ना चोरी हो गया मोबाइल, अब मैं एक और मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और मोबाइल लूँ फिर अच्छे से अच्छे कबूतरों की वीडियो बना के आप क्या करूँगा। तो अभी आ चुके हम लोग उसी होटल के पास जहाँ पहले आए थे, मामा के होटल के पास, खान साहब का वही होटल। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं मिलता हूँ आपको अली के घर पे आने के बाद, थोड़ी सी देर के बाद दोबारा मिलता हूँ दोस्तों। अली के पास, अली के घर के पास आ चुके हैं हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ही मिलता हूँ अली से, वीडियो बनानी है उसकी भी, नखरे बढ़ते जा रहे हैं अब ना, अगर ब्लॉग देख रहा है अली तो ये सुन ले भाई, अच्छी बात नहीं, तो नखरे इतने कर रहा है, नखरे नहीं कर भाई इतने, ब्लॉग बनाना है हमें, वीडियोस वगैरह भी बनानी है तो तू साथ मिलके बनवाएगा हमारे वीडियो, क्योंकि तुझे पता है यार वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर चलेगा नहीं कुछ भी, तो तू आएगा वीडियो बनाएंगे तो साथ में काम मिलकर करेंगे तो चलेगा भाई चैनल, वरना नहीं चढ़ने चलने वाला यार। तो दोस्तों मैं भी पहुँच रहा हूँ अली के पास, और अली ये ब्लॉग देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी जा रहा हूँ उसके घर पर, फिर उससे जाके दोबारा मैं मिलता हूँ आपसे, अभी पहुंचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस पहुँच ही चुके हैं लगभग हम लोग। तो फाइनली पहुँच चुके अली के घर के बाहर, घर के अंदर ये देखो कैसे हैं। और मनोज इंसान सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो ठीक हूँ, तेरे नखरे को ज़्यादा ही बढ़ते यार। तो पहुँच चुके हैं इसके घर के पास, अब इससे करते थोड़ी सी बात, फिर मिलता हूँ आप थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इससे मिल चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया टाइम, आधे घंटे से ज़्यादा, तो इसके साथ बात और हमने कर ली, एक घंटा तो हो गया समझ लो। ये देखो बादल वादल कैसे हो गए, धूप निकली थी, धूप भी ख़त्म हो गई, और इसकी पाँव की ये देखो ये बोल रहा नहीं बना, इसके पाँव पे यार कुछ नाम है एलर्जी हुई है, कोई ना इन्फेक्शन हुआ पाँव, तो ये दवाई वगैरह ले रहा है, अगर सही हो गया तो डॉक्टर को दिखाएगा, सही तो करवाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको घर ही आके, ये तो हमारे साथ जा रहा नहीं है तो हम खुद ही जा रहे हैं घर पे, मैं मिलता हूँ आपको घर पे जाके। अकबर ने कहा चलो कबूतर इसके दिखाने हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ उसके कबूतर भी आप लोगों को। तो ये देखो ये कुछ कबूतर हैं अकबर के, तोते भी दिखाओ ना, और मैं आपको दिखाता हूँ अकबर के तोते भी, उसने छोटा सा शौक रखा हुआ अपने कबूतर और तोतों का, मैं आपको सभी दिखाता हूँ अभी, दो मिनट रुको, बस दो मिनट में आपको सबको दिखाता हूँ।
और ये देखो ये अकबर का पिंजरा, अकबर ने इसमें तोते चिड़िया और तोते वगैरह कबूतर के बच्चे सब कुछ इसमें रखे हैं। ये देखें ये कबूतर का बच्चा है छोटा सा, ये भी निकला अंडे में से। और ये अकबर के तोते हैं, ये देखें ये वाले भी दिखा। और ये भी देख लो आप लोग, इसका क्या नाम है अकबर? फिशर, ये नाम है इसका नहीं पता, बाकी ये आई लपट है, बाकी ये ब्लू फसन आटा बोरा, और बाकी ये भी वही ये ब्लू फसन आटा की नस्ल में है। और ये अकबर ने रखे हैं वो तोते वगैरह, ये फिशर हैं, ये फिशर वगैरह सब कुछ, पीले लपट हैं, पीले लपट भी हैं, फिशर भी हैं और फिशरी भी हैं, देख रहे हो। और ये अकबर के कबूतर हैं, पकड़ के दिखा दूँ, ये देखें ये अकबर के कबूतर हैं दो। इसके पास पहले भी कबूतर थे, इसने वाले बेच दिया और कुछ उड़ गए इसके कबूतर, अब इसने पर काटे में कबूतरों के ताकि उड़े ना। ये देखें और वाला कौन सा है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम वो इसको चांदना बोलते हैं, चांदना। तो ये अकबर का कबूतर, एक और भी अकबर के पास है, ये रहा, ये कौन सा? ये देखें दोस्तों, ये नरे अकबर का वाइट पूछ है पूरी, देखें खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह। ये नरे नाम इसका मेरे को इतना पता नहीं है, कमेंट में बता देना। और जिसको इस कबूतर का नाम पता है कमेंट में बता देना इसका क्या नाम है। और ये तोते भी हमारे पास रखे हैं कुछ, इसके इसका बिलू वाले का नाम नहीं पता हमें, ये रहा बिलू वाला, उसका भी नाम नहीं पता, वो सामने बैठा हुआ। तो जिसको इसके नाम पता है हमें कमेंट में इसका नाम ज़रूर बता देना यार। ये अकबर ने चिड़िया भी रखी हुई कुछ अपने पास, चिड़िया कहाँ पर, ये भी चिड़िया भी इसके पास, ये तोते हैं इसके पास सारे, ये देखें। इसने अंडे दिए हैं अकबर? नहीं, इसके अंडे अभी नहीं हैं, और ऊपर वालों ने आने वाला है, ऊपर वालों ने भी नहीं दिए थे, ये इन्होंने पहले बच्चे दिए हुए थे, इसका बच्चा एक होगा इस मिट्टी के अंदर होगा, सामने बैठा हुआ लपट है, वो बच्चा दिया हुआ था। अभी बाकी ना इनका सीजन आने वाला है, इन बच्चों का फिर इंशाल्लाह ब्रीड भी करवाएंगे इनसे, वो बजरी बजरियों ने बच्चे दिए हैं इसके पास ना, वो बच्चे दिखाते हैं बजरी के। ये बजरी तोते के बच्चे निकाल रहा है उसमें से, मट्टी में से आपको दिखाता है बच्चे, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं इसके, रेडाइस हैं ये, लाल सारे हैं रेडाइस। और भी निकाल रहा है ये उसमें से, एक वाइट बच्चा है रेड आइस, ये भी एक इसका बच्चा है, और एक ये एक और अंदर है, एक और भी है इसके अंदर, वो भी दिखा रहा है। और कौन से बच्चे हैं? एक बच्चा ये इसका, ये भी रेड आइस है, सारे रेड आइस हैं, सारे रेड आइस हैं, एक वाइट में तीन पीले एक अंदर है। ये देखें दोस्तों इसके पास इतने सारे बच्चे रखे हैं माशाल्लाह। और भाई ये अकबर का शौक, अकबर ने तोते वगैरह तो रखे हुए हैं, आप लोग बताना अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा ऐसी वीडियो भी। अगर आप लोगों को जानवरों पे चाहिए वीडियो, मतलब पंछी वगैरह पे, कबूतरों पे, तोतों पे, तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और
अगर आप लोगों को उनके नाम पता थे कबूतर और तोते के, मुझे कमेंट में लाजमी बताना, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पर आ चुका हूँ, और यार बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं अली के घर से यहाँ तक आने में, यार बहुत ज़्यादा थक चुका था। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा रिलैक्स हो गया मैं। और अगर यार आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और भाई को बता देना आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो। परिंदों पे चाहिए तो मैं आपको परिंदों पे वीडियो दे दूँगा। अगर मेरे सिंपल से व्लॉग चाहिए आपको तो मैं व्लॉग बना करूँगा। बता देना आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कबूतरा तोते वाली वीडियो चाहिए या फिर सिंपल से व्लॉग चाहिए मेरे, तो मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, भाई को दुआओं में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो यार, भाई को भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।